सो so, इसमें देखें कि इट्स अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू सी अ सिचुएशन फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव वो किसी दूसरे की नज़र से नहीं देखते ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड थिंक लॉजिकली दैट इफ दे कैन सी समथिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एवरीबडी इज जस्ट वॉचिंग और ऑब्जर्विंग राइटली वॉट एवर ही और शी इज़ ऑब्जर्विंग मतलब जिस तरह से वो बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है परसीव करता है तो दूसरे लोग भी उसको उसी तनगाह से देख रहे हैं सो so, इसमें हम देखते हैं कि मेन अचीवमेंट जो है इस स्टेज की ये एक एबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है लैंग्वेज के साथ इसमें बच्चे सेल्फ़ टॉक करते हैं सेल्फ़ टॉक में आप देखें कि अक्सर बच्चे अपने साथ बात करते हैं और वो हर जो फेज़ उनकी लाइफ में आता है किसी काम करने का तो उसमें वो कहते हैं कि मैं खुद जो काम भी वो करना है मैं करूँगा मुझे करना है मैं करूँगी ये काम सो मैनी टाइम्स आप ऑब्जर्व करें आपने इर्द गिर्द के बच्चों में तो वो आ, अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं एक दूसरे अपने साथ वो दूसरे बच्चे के साथ बात नहीं कर रहे वो खुद से बात करते हैं और ख़ुद से ही उसको गाइडलाइंस दे रहे होते हैं सो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सेल्फ एंड थिंकिंग जो है उनकी वो अपने साथ ही उनकी थिंकिंग भी चल रही होती है सो so, ये देखें यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि एक चार साल का जो बच्चा है वो आ, अगर उसे पज़ल दें और उसे कहें कि इसको कनेक्ट करो सो वाइल्ड प्लेइंग और वाइल्ड कनेक्टिंग द पज़ल वो कहेगा कि अच्छा इसका अगला पार्ट कहाँ है मैं ये देख रहा हूँ मैं इस तरीके से करूँगी इसको सो so, वो आपको एक पूरी स्टोरी लाइन भी आपको सुनने को मिलेगी अच्छा ये कहाँ चला गया है उसके अपने सिम्बल्स हैं अपनी लैंग्वेज डिवेलपमेंट है वो उसकी अपनी थॉट्स अपने साथ चल रही है दिस इज कॉल्ड द सेल्फ टॉक विद इन द सेल्फ वो अपने अंदर इगो होकर उसको परसीव कर रहा है सो so, प्याजे ने कहा कि ये एक ईगो जो है वो स्पीच सामने नजर आती है अबाउट देयर थिंकिंग एंड अबाउट देयर एक्शंस इसी तरीके से हम देखें कि एक प्याजे ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो इसमें द थ्री माउंटेन टास्क बड़ा फेमस uh, है जब इसकी थेरी को आप लेबोरेट करें तो प्याजेस द थ्री टास्क और ये uh, जो थेरी है वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बड़ी अच्छे तरीके से उसे समझ सकेंगे कि इगो सेंट्रिक चिल्ड्रन जो हैं दे देम दैट पीपल विल सी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम देयर व्यूज ऑफ द माउंटेन तो हमने देखा कि अगर uh, इस uh, पूरे एक्सपेरिमेंट में तो एज़ यू कैन सी दिक्चर थ्री माउंटेन टेस्ट आप देख रहे हैं कि ये प्याजे ने एक टेस्ट किया है जिसे थ्री माउंटेन्स ईगो सेंटरिज्म टेस्ट भी कहते हैं तो एक साइड पे आप देखें कि एक बच्चे को बिठाया है सेंटर में तीन जो माउंटेन्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं ऑफ़ डिफरेंट साइजेस और साथ इसके एक सामने एक डॉल को बिठाया जाता है ठीक है और इस डॉल को वो जो है वो परसीव करते हैं कि ये डेविज जो डॉल है ये किस तरीके से आपके साथ हेल्प करेगी सो so, इसका मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने इस तरह से नजर आएगा कि ये जिस तरह टिम्मी जो एक आपको लड़का नजर आ रहा है उसको कहा जाता है कि वो डॉल के पर्सपेक्टिव में देखे कि कौन सा माउंटेन बड़ा है अच्छा अब हम देखते हैं कि ये थ्री एंड फोर इयर्स के बच्चे के लिए तो सेम है उसने अपने परस्पेक्टिव में देखना जो अभी मैं बात कर रही थी कि ये उसकी जो स्टेजेस हैं वो इगो सेंटरिज्म है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा सो so, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं सेवन प्लस के ऊपर जाते हैं जब आगे स्टेजेस पे हम देखेंगे तो फिर वो डॉल के परस्पेक्टिव में इन सारी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे सो so, ये जब टेस्ट हुआ तो देन इट वॉज जस्ट रियलाइज के जो बच्चे हैं वो इस स्टेज पे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उनकी ये इगोसेंटरिज्म जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की एक एबिलिटी है